निराशयच्चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता, उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि परमेश्वर का वह भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जैसे कि जब हाथ हिलता है तो वह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसकी कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमश ग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है।